ओपन माइंड गुरुजी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज देखेंगे कि जो फर्स्ट ईयर के ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाली है निम्मी की, ट्रेड इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का पेपर है, उसके जो मॉड्यूल है, तो एक मॉड्यूल हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज का ये दूसरा मॉड्यूल है जो है बेसिक वर्कशॉप प्रैक्टिसेस, तो ये दूसरा है। आई होप सभी ने पहला मॉड्यूल देखा होगा, नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हो, पहला देख लीजिए बाद में दूसरा कंटिन्यू कीजिए। अभी सबसे पहला नोट ध्यान में रखिए कि जब भी हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो आपको पॉज करके पहले क्वेश्चन पढ़ लेना है। उससे क्या होगा कि आप क्वेश्चन समझ लो उसके बाद मेरा एक्सप्लेनेशन सुनो, मतलब आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी। तो टाइम पास ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं पहली क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस गेज, ये जो गेज है उसका यूज़ क्या है, क्वेश्चन है। तो ये गेज यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, बट उसका आंसर यहाँ पे है कि ये इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों, जो समझो एखादी मशीन है या तो कोई मशीन का एखादा पार्ट है, उसका आपको रेडियस है तो डायमीटर गिनना है। तो गिनने के लिए अभी टेप लेके तो गिनेंगे नहीं, यहाँ पे ऑलरेडी एक गेज अवेलेबल, यहाँ पे नंबर ऑफ स्ट्रिप है इसमें, तो ये इंटरनल है। इंटरनल मतलब ये इंटरनल गिनने के लिए, ये इसका सबका अलग अलग वैल्यू है, तो यहाँ पे हम इस होल में इंसर्ट करके आप चेक कर सकते हो कि कौन सा फिट बैठता है, तो उसका उससे पता चलता है कि उसका रेडियस कितना है। वैसे ये एक्सटर्नल वाले है, अभी एक्सटर्नल समझो मशीन का कोई पार्ट है ऐसे, उसका रेडियस गिनना है, रेडियस है तो डायमीटर, तो इतने सारे इसमें से एक एक करके हम लगा के देखेंगे, जो फीड बैठेगा परफेक्ट वो रहेगा आपका रेडियस या तो उसका डायमीटर रहेगा। तो ये जो गेज है उसको बोलते हैं रेडियस गिनने के लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन वही था कि यूज़ क्या है इसका, तो रेडियस गिनने के लिए। तो इतना सारा यहाँ पे ऑप्शन है, देखो जैसे यहाँ पे बोला है कि चेक द डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल जॉब, यहाँ पे कोई सिलेंड्रिकल का जरूरी नहीं है, ये रेडियस का है, ये जो है ये रेडियस का वैल्यू देखिए। देखो यहाँ पे लिखा है R 7.5 या और से लेकर 15 mm तक का देखे, तो ये रेडियस है, R मतलब रेडियस। तो हमारा ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का आंसर रहेगा हमारा पहला वाला जिसमें लिखा है इंटरनल रेडियस ऑफ द जॉब, ठीक है। तो ये इसका पहला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ फाइल। अभी फाइल देखिए आपको पता है नंबर ऑफ़ फाइल है, उसमें चार ऑप्शन है। अभी देखो चारों ऑप्शन हम यहाँ पे दिखा दिए अभी पिक्चर में, तो देखो एक एक करके पहले देख लेते। यहाँ पे कर्व फाइल है, कर्व मतलब यहाँ पे देखेंगे आप तो कर्व निकाला है, कर्व निकाल के पूरे, तो ये कर्व निकाल के, तो इसलिए फाइल का नाम कर्व है। यहाँ पे सिंगल कट है मतलब एक ही क्रॉस लाइन है, यहाँ पे डबल कट है मतलब एक ऐसे है और एक दूसरी क्रॉस है, तो इसलिए डबल क्रॉस बोला। और ये जो रैप्स कट फाइल है, यहाँ पे होल होते हैं तो लकड़ी वगैरह घिसने के लिए इसको यूज़ करते हैं, तो इसका नाम है रैप्स कट फाइल। आप पूरे नाम याद कर लो, कोई भी क्वेश्चन मतलब ये इमेज बदल सकती है क्वेश्चन में, तो ये हमारा रैप्स कट फाइल। तो इसका जो आंसर रहेगा हमारा ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ टूल। देखो ये मॉड्यूल ये है कि वर्कशॉप प्रैक्टिस, तो ये वर्कशॉप में जितना यूज़ होता है टूल्स वो सभी के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, तो उसका नेम क्या है बोला, ये जो टूल है ये औजार का नाम क्या है। तो ये आपका डिवाइडर नहीं है, ध्यान में रखना, ये कैलिबर है, यहाँ पे डिवाइडर वगैरह कुछ नहीं होता, कैलिबर। अब ये तीनों में से एक कैलिबर होगा, तो कौन सा कैलिबर है, देखो इसको देखेंगे ना आप, तो ऐसे इंटरनल ऐसे झुका है अंदर से, तो ये गिनता है इनसाइड कैलिबर, मतलब अंदर का मेजरमेंट गिनते हैं। समझो एक जॉब है, ये वाली एक पट्टी रखी और दूसरी पट्टी यहाँ पे रखी होती, तो उसके अंदर का माप गिन सकता है ये कैलिबर, तो इसलिए इसका नाम है इनसाइड कैलिबर। तो इसमें इनसाइड वाला ऑप्शन है बी पे, तो ये हमारा आंसर रहेगा बी। उसके बाद व्हाट इज़ द कॉज ऑफ ट्विस्टिंग डिफेक्ट, मतलब जो लकड़ी है वो ट्विस्ट हो जाती है, तो उसका दोष मतलब ऐसे क्यों होता है। ट्विस्ट मतलब पता है ना कि ये अगर लकड़ी है हमारी तो ऐसे मुड़ जाती हो, ऐसे मुड़ जाती हो, सीधी नहीं रहती, ऐसे मुड़ी होती है, तो उसके पीछे कारण क्या है। तो कारण है कि सिकुड़ जाती है, जैसे एग्जाम्पल के लिए अभी एक लकड़ी आप तोड़ के लाए सीधी बिल्कुल हो, उसको आप धूप में सुखा दो, तो उसके कारण क्या होगा कि धूप में सुखाएंगे तो उसमें से पानी पूरा निकल जाएगा, तो जैसे ही आप देखेंगे सूखने के बाद तो ये सीधी नहीं रहेंगे, ये थोड़ी ऐसे टेढ़ी टेढ़ी हो जाएंगी, तो उसी को बोलते हैं कि असमान सिकुड़ना, तो उसके कारण ये ट्विस्टिंग इफेक्ट होता है। तो इसका ऑप्शन रहेगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ मोर्टिस चिजल। तो मोर्टिस चिजल, ये चिजल है मोर्टिस, यहाँ पे लिखा भी आप अच्छे से पढ़ सकते हो कि इसका जनरल काम क्या है। तो अभी देखो ये जो देखेंगे ना, ये रेक्टेंगुलर शेप का है, आगे से है ना, ये रेक्टेंगुलर चीजल पता है सभी को, आप कारपेंटर के आगे होंगे तो आपको पता है नंबर ऑफ चीजल वहाँ पे दिखती है। तो ये जो चीजल है, अभी देखो यहाँ पे लिखा है जनरल चीजल है, पेयरिंग जॉइंट है, ऐसे अलग अलग लिखा है, तो इसका है ना रेक्टेंगुलर शेप होता है, ध्यान रखना मोर्टिस चीजल का। तो ये जो रेक्टेंगल वाला ऑप्शन होगा कहीं ना कहीं ये रहा रेक्टेंगुलर होल करने के लिए, मतलब आपके पास अगर लकड़ी है ऐसे एक उड़ता एक प्लेट है, उसको भी होल करना है, वो भी रेक्टेंगुलर चौकोन या तो मतलब स्क्वायर या तो रेक्टेंगुल, तो इसको रखेंगे आप और ठोक देंगे, तो ठोकने के बाद इतना टूट जाएगा अपने आप। तो इसको इसका जो ऑप्शन है, इसका ऑप्शन है मोर्टिस चीजल का कि रेक्टेंगुलर लकड़ी में आयताकार छेद करने के लिए इसका यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ
स्टैक, अभी देखो ये नंबर ऑफ स्टैक है यहाँ पे। स्टैक मतलब जैसे मंदिर में जाते हैं ना नारियल फोड़ने के लिए पत्थर ढूंढते हैं, तो आप जैसे शीट मेटल का जहाँ पे वर्क होता है, वर्कशॉप में गए होंगे जहाँ पे शीट जो लोहे की पत्थरा होता है उसका उसके ऊपर जो काम होता है, तो वहाँ पे इतने सारे स्टैक होते हैं। ये अलग अलग नाम है, इसके नाम देख लो, ये एक ही है, ये दोनों एक ही है, ये चार है यहाँ पे नाम देखे। तो यहाँ पे बोला है कि शार्प बेंड करना है, मतलब आपके पास अभी एक शीट है, ये शीट को मेरे को यहाँ से बिल्कुल शार्प बेंड करना है, बेंड करना है मतलब मोड़ना है बिल्कुल एक लाइन में। तो इसके लिए आप शीट मेटल, इसके लिए कौन सा स्टैक यूज़ करेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पे भी मोड़ नहीं सकते, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, सिर्फ ये जो है ये सीधा है होता है बिल्कुल। तो यहाँ पे ऐसे पत्थरा रखेंगे और दबा देंगे, दबाने से क्या होगा कि यहाँ पे स्ट्रेट बिल्कुल ऐसे मुड़ जाएगा। तो इसका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा ये रहेगा शार्प बेंड के लिए कौन सा, यहाँ पे इसका नाम क्या हैच स्टैक, तो ये है बी रहेगा इसका आंसर, हैच स्टैक करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विच टाइप ऑफ कोल्ड चीजल इज यूज फॉर स्क्वेयरिंग मटेरियल एट द कॉर्नर, मतलब कौन सी ठंडी छेनी है, छेनी पता है सभी को, वो किनारे का पदार्थ मतलब वो कोना कोना आपको छीलना है, जैसे ये अभी एक आपका जॉब है और इसका कोना छीलते जाना है मेरे को, बिल्कुल शार्प करते जाना है, उसके लिए कौन सा चीज़ यूज़ करते हैं, हमारे पास इतने सारी लिस्ट है। इसमें से ध्यान में रखना है कि कोना छीनने के लिए हमारे पास डायमंड पॉइंट चीज़ल है, तो इसमें डायमंड वाला ऑप्शन, ये ऑप्शन है हमारा डी, तो ये डी हमारा है डायमंड पॉइंट चीज़ल, मतलब हीरा पॉइंट छेनी बोलती इसको, तो ये कॉर्नर कॉर्नर ऐसे छीलने के लिए काम में आती है, आगे का टीपी ऐसे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ कैलिबर इज यूज टू ड्रॉ पैरेलल लाइन, पैरेलल मतलब समांतर लाइन रेखा निकालने के लिए कौन सा कैलिबर यूज करते हैं। कैलिबर इसके पहले भी हम डायग्राम देख चुके हैं, तो ये कैलिबर है, तो यहाँ पे ऐसे रखेंगे और इसको ऐसे इधर खींचते खींचते जाएंगे, खींचते जाएंगे तो ये लाइन यहाँ पे ऐसे बिल्कुल पैरेलल, मतलब ये जो जॉब है ये लाइन को ये दूसरी लाइन बिल्कुल पैरेलल निकालती है। तो ये जो कैलिबर है इसका नाम है जेनी कैलिबर, नाम ध्यान में रख सकते हैं, लड़की जैसा नाम है शायद, तो ये इसका आंसर हो गया जेनी कैलिबर, तो आठवें का ऑप्शन रहेगा बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये ड्रिल बिट का नाम क्या है, ये ड्रिल बिट दिया है इसका नाम क्या है, तो यहाँ पे ध्यान में रखना कि इसके अलग अलग टाइप है, हमने एक ही दिखा दिया यहाँ पे कि टैपर स्नैप, इसके अलग अलग टाइप है, तो इसका नाम है टैपर शैंक करके, तो यहाँ पे टैपर वाला एक ही ऑप्शन है, तो ये बिट का नाम है टैपर करके, तो ध्यान में रखिए कि ये टैपर है, तो टैपर के लिए आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ स्टैक, अभी देखो और से स्टैक आ गया, वहाँ पे बोला है कि जनरल पर्पज शीट मेटल वर्क, मतलब आप जाएंगे ना मतलब जो शीट मेटल का जो वर्कशॉप है उसमें आपको तो सभी दिखेंगे, बट जनरली मैक्सिमम टाइम जो यूज़ करते हैं ना ये यूज़ करने के लिए हम स्क्वायर वाला स्टैक यूज़ करते हैं, मतलब जनरल कुछ भी काम है जनरल, तो ये आपको आगे ही दिखेंगे, इसके ऊपर ही ठोकेंगे कुछ भी ठोकेंगे। तो इसमें वही पूछा है कि शीट मेटल में सामान्य उपयोग हेतु किस प्रकार का स्टैक यूज़ करते हैं, तो इसमें यूज़ करते हैं इसका नाम है स्क्वायर टैक, तो ये वर्गाकार स्टैक है, तो इसका आंसर रहेगा ए वर्गाकार स्टैक। उसके बाद है नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नंबर, ये नंबर दिया है कि 1.25 का ISO, मतलब इसका मीनिंग क्या होता है, ये थ्रेड का थ्रेड लिखने का तरीका है m12 × 1.25, ये पढ़ लो लगे तो आपको और समझ में आएगा। मैं बता देता कि ये जो m होता है, m मतलब रेडियस डायमीटर होता है, यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे लिखा भी होगा कि 12 मतलब क्या है और ये m के साथ जो होता है, तो ये डायमीटर है ना, ये डायमीटर कितना है, मतलब m है, यम बोलते हैं इसको, मेजर डायमीटर, तो ये 12 का डायमीटर है उसका, ये 1.25 इसके बाद जो भी मल्टीप्लाई करके वैल्यू रहेंगी, जैसे यहाँ पे लिखा है कि इसका मतलब क्या होता है, तो ये जो थ्रेड है, थ्रेड सभी को पता है, ये नट पता है सभी को कि इसमें जो थ्रेड होते हैं, तो ये एक दो ऐसे अलग अलग थ्रेड है आपने देखे होंगे, तो ये जो दो थ्रेड के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं पिच, जो दो थ्रेड है उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं पिच, तो यहाँ पे 1.25 मतलब ये 1.25 ये पिच है, तो यहाँ पे पीच वाला जो ऑप्शन है ये ऑप्शन है हमारा बी, तो यहाँ पे बोला है पीच ऑफ द थ्रेड, मतलब 1.25 इसका पीच है, तो ध्यान में रखिए दो थ्रेड के बीच का डिस्टेंस मतलब उसको पीच कहते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट डिफेक्ट विल ऑकर इन टिम्बर ड्यू टू इरेगुलरली इन ग्रोथ ऑफ ब्रांचेस, मतलब इरेगुलर मतलब अनियमित जब बढ़ते हैं, तो उसका मतलब उसके कारण क्या होता है, जो लकड़ी में अनियमित रूप से शाखा के उगना, मतलब जैसे आपको बताया कि एक पेड़ है समझो ये सीधा है और एक दूसरा पेड़ है ये भी सीधा ही है, उस दोनों की हाइट सेम है बट इसमें कोई ब्रांचेस नहीं है, ब्रांचेस मतलब ऐसे ऐसे यहाँ पे लगा होता है मतलब जो बढ़ जाते हैं शाखाएं बोलती है उसको, तो ये शाखा बढ़ने का कारण क्या होता है, तो आप देखेंगे ना जितनी ज़्यादा शाखा रहेंगी यहाँ पे गाठी तैयार होती है, गाठ देखेंगे ना गाठ जिसको नॉट बोलते हैं, तो ये गाठी के कारण क्या होती है कि इसकी वैल्यू कम हो जाती है, ये मतलब कम काम का है, और ये जो जहाँ पे ब्रांचेस नहीं होती बिल्कुल सीधा होता है ये ज़्यादा उपयोगी और इसका रेट भी ज़्यादा होता है, और इसका रेट कम मतलब इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है और इसकी वैल्यू कम होती है ब्रांचेस के कारण। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि मतलब
अनियमित रूप से शाखा अगर उगती है तो उसके कारण क्या होता है, तो उसमें गाठे गाठे आती है ये पेड़ के ऊपर, ऐसे गाठे आ जाती है, अभी उसको बोलते हैं नॉट बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा हमारा ए। उसके बाद नेक्स्ट, विच फाइल इज यूज फॉर शार्पिंग द ब्लंट, मतलब जो टेनन आ रही है इसको बोलते हैं टेनन सॉ बोलते हैं, इसका नाम है यहाँ पे टेनन सॉ। तो इसके जो दाते दाते हैं, ये दाते यहाँ पे जूम करके दिखा है, इसको अभी धार लगाना है, मतलब उसको तेज करना है। तेज करने के लिए अभी इतनी सारी फाइल है, फाइल पता है, इसके पहले भी फाइल देखी है, अलग अलग टाइप की फाइल होती है। तो इसमें से कौन सी फाइल यूज़ करेंगे यहाँ पे, देखो ये जो धार लगाना है ये दाते को, तो ये दाते देखेंगे तो ये जो इस तरह का शेप है इस दांतों का, तो अभी देखिए क्या स्क्वेयर वाली फाइल उसमें घुस सकती है क्या, पॉसिबल नहीं है। राउंड वाली भी उसमें नहीं घुसेंगी, हाफ राउंड वाली की नहीं घुसेगी, मतलब आधा उत्तकार वाली। श्री पे का है त्रिभुज वाली, मतलब ट्रायंगुलर जो फाइल है वो वाली फाइल यहाँ पे देखो, ये ट्रायंगल जैसी है ना, तो ये ट्रायंगुलर फाइल यहाँ पे आराम से घुस सकती है। तो यहाँ पे हम यूज करने वाले इसको धार लगाने के लिए ट्रायंगुलर फाइल, तो इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन पढ़ते जाओ आराम से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द पार्ट एक्स, देखो अभी ये फाइल का मैं पूरा ही यहाँ पे इमेज लगा दिया, आपको क्या करना है ये पूरा पढ़ लेना है। तो किसको क्या बोलते, क्योंकि तो ये डायग्राम का एक्स कहीं भी चला जा सकता है क्वेश्चन में पेपर के बाद, तो याद कर लेना है कि कौन सा कहाँ पे। तो फिलहाल यहाँ पे एक्स है, तो एक्स आप आंसर दे सकते हैं, ये जो एक्स है ये एक्स मतलब यहाँ पे हील है, तो यहाँ पे हील है आपका बी पे, तो इसका आंसर है हमारा बी। सभी याद कर लो इसमें से कि किसको कौन से पार्ट को क्या कहते हैं। तो नेक्स्ट है, वॉट इज़ द नेम ऑफ टूल, देखो ये टूल सेम इसके पहले भी हम लोग यूज़ कर चुके हैं कि ये काय के लिए यूज़ करते हैं, पैरेलल लाइन ड्रा करने के लिए, मतलब ये लाइन को ये दूसरी लाइन पैरेलल निकालने के लिए। इसका नाम पहले भी हम देख चुके हैं इसके पहले क्वेश्चन में कि जेनी कैलिबर बोलते, तो इसमें जेनी कैलिबर है ए नंबर पे, तो इसका आंसर रहेगा ए पे। उसके बाद है नेक्स्ट, वॉट इज़ द नेम ऑफ एंगल मार्क एक्स, देखो अभी ये अभी छेनी बोलते चीजल बोलते, अभी यहाँ पे तीन एंगल होते हैं, देखो यहाँ पे दिखेगा, ये अल्फा है, इसको बीटा कहते हैं और इसको ग्यामा कहते हैं, अल्फा बीटा और ग्यामा। तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एंगल है उसको बोलते हैं क्लियरेंस एंगल, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एंगल है इतना जो एंगल है उसको बोलते हैं रैंक एंगल, और ये यहाँ से लेकर, सॉरी ये गलत हो गया, यहाँ से नहीं इतना ही एंगल, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बीटा है उसको क्या बोलते हैं, तो बीटा मतलब होता है पॉइंट एंगल। तो ये तीनों एंगल के नाम याद रखो, कुछ भी पूछ सकते हैं, अभी एक से यहाँ पे कभी एक से यहाँ पे हो सकता है, तो ये बीटा मतलब होता है पॉइंट एंगल, तो इसमें पॉइंट एंगल है हमारा बी पे, तो हमारा ऑप्शन रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉट इज द यूज ऑफ फर्मर चीजल, तो ये फर्मर चीजल ये बिल्कुल कॉमन चीजल है कि जैसे ही आप कारपेंटर के यहाँ पे जाए, जहाँ पे लकड़ी का काम होता है, हर मिस्त्री के पास आप देखेंगे तो फॉर्मर चीजल कंपलसरी है बिल्कुल, वो रहेंगी मतलब रहेंगी। तो इसका जनरल काम है, उसको कुछ भी तोड़ना है कुछ भी ठोकना है तो वो फॉर्मर चीजल का यूज़ करता है। तो यहाँ पे बोला है कि ये फॉर्मर छेनी का उपयोग क्या है, अभी इतने सारे ऑप्शन है, तो ये जनरल यूज़ के लिए, जनरल मतलब ये कहाँ पे, ये बी पे, ये जनरल यूज़ के लिए मतलब सामान्य छेनीकरण कार्य, जनरल मतलब कुछ भी काम, उसको कुछ भी तोड़ना है तो इसी फॉर्मर चीजल का यूज़ करेगा। तो ये 17 का ऑप्शन है बी, जनरल यूज़ के लिए यूज़ होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि उसको पैसे नहीं देने पड़ते, फ्री में होता है वो। और जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ हाल्फ जॉइंट, मतलब अर्ध लैप जोड़, देखो अर्ध लोप ये जोड़ बोला है, और यहाँ पे देखो ये अच्छे से पढ़ो, जब जॉब का एक भाग सिरों के अंत से कुछ दूरी से मिलता है, मतलब देखो सिरा मतलब ये टर्मिनल होता है, मतलब एंडिंग होता है, यहाँ से कुछ दूरी पे, पता है ना इस तरह के भी जॉइंट, मतलब टी जॉइंट बोलते हैं हम लोग, तो टी जॉइंट में क्या होता है, इधर भी कुछ जगह छूटी होती है, इधर भी, और यल वाला क्या होता है कि ये कॉर्नर से स्टार्ट होता है जॉइंट, यहाँ पे कॉर्नर पे, तो इस तरह का जो जॉइंट होता है उस जॉइंट को क्या कहते हैं। देखो यहाँ पे अच्छे से पढ़ो, सिरे से कुछ अंत से कुछ दूरी से मिलता है, तो कुछ दूरी से मतलब यहाँ से कुछ दूरी पे मिलता है, तो इस तरह का जो जॉइंट है उसको क्या बोलते हैं। तो आपको शायद पता ही होगा कि ये इसको नाम भी लिखा है भाई मिडल लैप करके, तो अभी मिडल वाला देखो एंड भी नहीं है, क्रॉस भी नहीं है, कॉर्नर भी नहीं है, ये मिडल में हो रहा है, तो इसको बोलते हैं मिडल लैप जॉइंट। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ नॉच इज यूज फॉर मेकिंग, देखो जब भी आपको बेंड दिखेगा 90 डिग्री का, मतलब 90 डिग्री आपको अगर मोड़ना है शीट, ये शीट है हमारी, मतलब शीट मेटल की शीट है, एक लोहे की ये चादर को फोल्ड करना है यहाँ पे, तो जब भी 90 डिग्री आपको दिखेंगे तो ध्यान में रखना कि ये वी नॉच, ये वर्ड ध्यान में रखो 90 डिग्री के लिए, तो यहाँ पे वी नॉच कहाँ पे, ये ए पे, ए पे हमारा वी नॉच हमेशा के लिए, वी मतलब ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होता है हमेशा, तो यहाँ पे इतना शीट को काट देंगे और इसको ऐसे फोल्ड कर सकते हैं, यहाँ से बराबर वो फोल्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर है ए वी नॉच, 90 डिग्री दिखे तो याद रखना। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है व्हाट इज द पर्पस ऑफ हेम फोल्डिंग, अभी ध्यान रखो हेम फोल्डिंग बोला है, तो ये नाम ही ध्यान में रखो,
कि हेम मतलब क्या होता है मैं पहले बता देता हूँ। हेम मतलब जैसे आपके पास अभी रोटी है, रोटी नहीं सॉरी रोटी ऐसे होती है, इसको क्या करते हैं हम जाम लगाते हैं और उसको फोल्ड फोल्ड करते गोल गोल, मतलब ऐसे लपेटते जाते हैं इसको, मतलब रोल करते जाते हैं और उसको बाद में खाते। तो ये जो लपेटे हैं ना इसको ये हेम बोलते हैं। तो सेम हेम क्यों करते हैं, शीट मेटल के कार्य में हेम फोल्डिंग क्या उद्देश्य है। तो जैसे ये शीट है कहीं पे रखी है, मेरे को स्टोर करना है या तो कुछ और करना है, तो इसको हम क्या करेंगे ऐसे गोल गोल लपेट के हमको क्या करेंगे ऐसे सीधा कर देंगे। मतलब जैसे अभी पराठा बना दिया हम गोल गोल, तो ये सीधा बन जाएगा। तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि इसको कहीं पे भी उठा के रख सकते हैं या तो फोल्ड कर सकते हैं, मतलब इससे शीट ख़राब नहीं होती। मतलब जैसे बेडशीट हमारी होती है तो हम रख डाल के नहीं रखते, घड़ी करके रख देते हैं, तो वैसे ही इसको क्या करना है ऐसे हेम करके रखना है गोल गोल करके। तो ये काहे के लिए यूज़ होता है कि प्रिवेंट शीट फ्रॉम डैमेज, मतलब ये शीट ख़राब ना हो इसलिए हम लोग गोल गोल करके रखते हैं उसको। तो ये जो शीट मेटल में हेम फोल्डिंग है उसका उद्देश्य है कि उसको शीट को क्षति से बचाना, मतलब डैमेज नहीं होने को ना, इसके लिए इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिफेक्ट इन टिम्बर इज कॉज टू रिड्यूस स्ट्रेंथ। देखो यहाँ पे बोला है कि लकड़ी में कौन सा दोष इसकी शक्ति को कम करता है। अभी देखो एक लकड़ी है तो इसको मतलब उसकी ताकत कम कर दी। देखो एक छोटा सा एग्जांपल मैं बता देता कि शक्ति कम करना है, तो देखो इसमें यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन है, तो इसमें से ऑप्शन आपका अनियमितता है। इसके पीछे अभी देखो इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझा देता कि एक आधा स्टूडेंट है जो रेगुलर आता है, मतलब इरेगुलर नहीं है, नियमित है वो, नियमित। जैसे हमारे पास एक स्टूडेंट है अंशुल करके, और रोज आता तो उसको उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, उसको ताकत शक्ति ज़्यादा है उसके पास, मतलब ज़्यादा आता उसको। उसी का दोस्त एक छंपू करके, तो वो क्या होता है कि 2 दिन आता अनियमित है, 2 दिन आता 4 दिन गायब, 5 दिन आता 10 दिन गायब। तो उससे हमारा अंशुल में ज़्यादा शक्ति है, मतलब ज़्यादा समझ सकता है। तो सेम क्या होता कि मौसम अगर कम ज़्यादा आगे पीछे हो रहा अनियमित है, तो उस लकड़ी का क्या होता है कि शक्ति कम हो जाता है। जैसे कभी पानी मिलेगा उसको, कभी नहीं मिलेगा, कभी धूप मिलेंगी, तो जब अनियमितता होती है तो उसमें क्या होता है लकड़ी की शक्ति कम होती है। तो उसका ऑप्शन रहेगा हमारा डी, अनियमितता, मतलब इरेगुलरिटी, ठीक है, स्ट्रेंथ कम होती है उसके कारण। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दो, उसको भी पैसे नहीं लगते। वॉट इज़ द नेम ऑफ हैमर, ये आपके पास हैमर है आपने देखा होगा, तो ये दिखाने के लिए मैं दूसरा व्यू भी रख दिया। देखो यहाँ पे है ना ऐसे कट करके होता है, तो ये काय के लिए होता है जैसे कीले वगैरह लगे होते हैं ये इसको वुड को, तो कीले निकालने के लिए इसका यूज़ करते हैं। तो ये जो हैमर है इसका नाम है क्लॉ हैमर। तो यहाँ पे क्लॉ ऑप्शन पहले ही नंबर पे ए पे, तो इसका आंसर रहेगा क्लॉ हैमर। ध्यान रखना कि ये काय के लिए और कैसी है। तो इसका शेप विच डिफेक्ट इन टिम्बर कॉज ड्यू टू इम्प्रॉपर सीजनिंग। इन प्रॉपर सीजनिंग मतलब वही सीजनिंग जैसे इरेगुलरिटी अभी हम बोले उस तरह सीजनिंग, मतलब कभी बारिश होंगी, कभी धूप होंगी, कभी कुछ होंगी, तो उसके कारण क्या होता है कि उसमें डिफेक्ट आ जाती है, ख़राब हो जाता है हमारा वुड जो है, मतलब पेड़ का जो ये है तो वो ख़राब हो जाता है। तो उसके लिए उसको जो वर्ड है उसको बोलते हैं कूपिंग, बोलते हैं कपिंग, कूपिंग ये उसका ऑप्शन है। तो इम्प्रॉपर सीजनिंग के कारण ये वाला डी है, कूपिंग होता है उसमें, ध्यान में रखना। इस पर कोई खास ऐसे एक्सप्लेनेशन मिला नहीं। नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ एक्स। तो यहाँ पे देखो एक्स लिखा है ना, यहाँ पे मैंने एक्स मतलब ये एक नंबर है हमारा। तो देखो ये इस तरह का जो लिखा, ये इस तरह का जो मोड़ है, देखो ये ऐसे ऐसे करके ये दूसरा वाला जॉइंट सेम उसी में अंदर जाके उसी के। तो देखो ये जो ऐसा वाला जॉइंट है, ऐसा वाला जॉइंट है उसको है ना फीमेल कहते हैं, जॉइंट मतलब थ्रेड है, फीमेल कहते हैं। और जो ऐसे बाहर निकल के होता है ये देखो ये अंदर है, ये अंदर है, मतलब इसके अंदर दूसरा थ्रेड जाने वाला है, तो इसको फीमेल कहते हैं। और जो थ्रेड अंदर जाने वाला है उसको मेल वाला कहते हैं। ये मेल है और ये आपका फीमेल है। तो ये देखेंगे तो ये अंदर अंदर से ऐसे गोल, तो अंदर से मतलब इसका नाम है कि एक नंबर, मतलब क्या होता है पैरेलल फीमेल थ्रेड। ध्यान में रखो अगर ऐसे अंदर है तो फीमेल और ऐसे बाहर है तो इसको बोलेंगे मेल। आप समझदार हो, ठीक है, इसका नाम है फीमेल थ्रेड। तो ये इसका रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा सही। नेक्स्ट है उसके बाद विच टाइप ऑफ नॉच इज यूज फॉर बेंडिंग द एज ऑफ शीट। मतलब आपके पास एक शीट है, इसका एज, एज मतलब एक आधा कोना या तो कहीं से भी आपको क्या करना है कि स्ट्रेट मोड़ना है उसको, शीट के सिरे को मोड़ने हेतु, मतलब इसको अभी मोड़ना है। यहाँ से मोड़ने के लिए अभी कौन सा जॉइंट करेंगे, अभी देखो ये देख के आप समझ सकते हैं इसको स्ट्रेट होना, सीधा सीधा आपको मोड़ना है इसको। तो मोड़ने के लिए स्ट्रेट वाला ऑप्शन हमारे पास डी है, तो इसको स्ट्रेट नॉच करना है, मतलब इसका ऑप्शन है सीधा नॉच, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉट इज़ द पर्पज ऑफ क्रॉस कट कोल्ड चीजल। देखो क्रॉस कट कोल्ड, तो इसका भी ध्यान में रखो, इसका कोई ये डायग्राम वगैरह नहीं मिला, तो ये कटिंग कीवेज के लिए यूज़ होता है इसका। तो उद्देश्य क्या है, तो कटिंग कीवेज ध्यान में रखना, जब भी क्रॉस कोल्ड रहेगा मतलब ठंडी छेनी आएगा तो ध्यान में रखना कटिंग कीवेज। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि वही 90 डिग्री आगे देखो, मैं पहले बोला जब भी 90 डिग्री देखे आग बंद कर दो और सीधा सीधा वी नॉच कर दो। यहाँ पे देखो बिना सोचे बिना समझे जब भी 90 डिग्री देखेंगे, क्यों, तो यहाँ का एंगल होता है 90 डिग्री, तो ये आपका वी नॉच। उसके बाद है
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ कटिंग है, मतलब ये जो सॉ है इसका नाम क्या है। तो देखो, आंतरिक कटिंग के लिए किस प्रकार का वर्क कटिंग दस्ती आरी उपयोग की जाती है। ध्यान दो, अभी ये हमारे पास एक प्लाईवुड है, समझो प्लाईवुड में क्या करना है कि हमें अंदर होल करना है, या तो अंदर कुछ डिज़ाइन करना है, बाहर से नहीं काटना है, अंदर से काटना है। अभी बड़ी वाली अगर आरी लेके आएंगे तो ये तो बीच में घुसने वाली है ही नहीं, तो आपको कुछ बिल्कुल की जैसे होना, बारीक होना। क्या करेंगे, शीट पे एक जगह ड्रिल से हम होल कर देंगे, होल करेंगे और क्या करेंगे, ये जो की होल वाली जो सॉ है तो ये आरी को क्या करेंगे, होल में डालेंगे। बिल्कुल ये बिल्कुल पतली होती है ये, बिल्कुल, तो ये होल में डालेंगे और आप जैसा चाहे अंदर मुड़ सकते हो और अंदर का काट सकते हो। ये बड़ी आरी से पॉसिबल नहीं है, तो इस आरी का काम है की होल। तो ध्यान में रखो, कहाँ पे आंतरिक मतलब अंदर, ये प्लाईवुड के या तो ये उड़ के अंदर का अगर कुछ काटना है हमें, तो हम यूज़ करते हैं इसके लिए की होल सॉ। तो की होल हमारा है बी पे, तो इसका आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट है, ये देखो, ये पहले ही बोला कि याद कर दो, चारों है तो चारों कुछ भी आ सकता है इसमें। तो यहाँ पे भी बोला है कि नेम क्या है ये स्टैक का, ये शीट मेटल ये आने वाला है, ये स्टैक का नाम क्या है। तो यहाँ पे नाम लिखा ही है, इसका है ब्लो हॉर्न नाम। तो यहाँ पे ब्लो वाला कहाँ पे, ये ब्लो हॉर्न स्टैक। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे ये टूल, अभी सभी को पता है कि ये हैमर है, बट हैमर के भी अलग अलग टाइप है। तो ध्यान दो कि इसका है ना ऊपर ऐसे क्रॉस करके, तो ये इतनी सारी हैमर है हमारे पास, तो ये क्लब भी देख चुके हैं हम लोग, बॉल पिन हैमर भी पता है आपको, ये क्रॉस पिन हैमर भी पता है, स्ट्रेट भी पता है, और ये भी पता है, इसको बोलते हैं टैक्स हैमर। तो ये टैक वाला क्या है, कहाँ पे, ये बी पे हमारा। तो ये पूरे याद कर लो, इस ये क्वेश्चन में पेपर में ये बात चेंज हो सकता है, इसकी जगह ये इसमें से कोई दे सकते हैं, तो पूरे नाम याद कर दो। सिर्फ कन्फ्यूजन आपको इसमें और इसमें होगा, ये दोनों में एक क्रॉस है और एक स्ट्रेट है, तो ये बराबर डायग्राम देख के समझ जाओ कि ये क्या दोनों में क्या डिफरेंस है। तो नेक्स्ट है कि ये जो चेन ड्रिल के बाद, मतलब ये मेटल का एक मेटल का पीस है, उसके बाद उसमें हम क्या कर दिए, होल कर दिए, ड्रिल कर दिए। ड्रिल करने के बाद किस प्रकार के छेनी का प्रयोग किया जाता है, मतलब इसको भी तोड़ना है, ये जो अंदर वाला पार्ट है हम होल किए और ये इतना पार्ट हमें काट देना है, मतलब निकाल देना है। उसके लिए ये जो छेनी है, ये छेनी का नाम है वेब चीजल बोलते हैं उसको, वेब मतलब ये रेक्टेंगुलर शेप होता है, नीचे से ये दो होल के बीच में रखेंगे, ये जैसे दो होल है, ये दो होल के बीच में रखेंगे और ऊपर से ठोकेंगे, जैसे ही ठोकेंगे तो ये टूट जाएगा, तो ये दोनों के बीच का जॉइंट अपने आप निकल जाएगा। तो ये जो चीजल है इसका नाम है वेब चीजल, तो यहाँ पे वेब है जालीदार छेनी, तो ये बी वाला ऑप्शन रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ, वही देखो से वही क्वेश्चन आ गया कि स्टैक कौन सा है, किस प्रकार के उपयोग टेपिंग शंकु है। देखो जब भी शंकु वर्ड देखेंगे, शंकु मतलब पता है क्या होता है आपको, कोन होता है। देखो इंग्लिश में कोन कहते हैं और हिंदी में शंकु कहते हैं, पता है ना, आइसक्रीम, शंकु मतलब कोन मतलब आइसक्रीम। तो इसमें से आपको आइसक्रीम जैसे कोन दिख रहा है, आइसक्रीम का जो कोन होता है उसके जैसे सिर्फ एक ही है, इसका नाम है ब्लो हॉर्न। तो ये शायद बिना सोचे भी आप बता सकते हैं कि यहाँ पे बोला है कि रिवेट करना है, मतलब जोड़ना है, तो ये एक ही है, यहाँ पे ऐसे आप डाल दे सकते हैं उसको कोन को और इसके ऊपर ठोक सकते हैं, कुछ भी काम कर सकते हैं। तो ये सिर्फ कौन सा स्टैक यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, इसमें से कोई यूज़ नहीं हो सकता है, इसके लिए सिर्फ यूज़ हो सकता है ये ब्लो हॉर्न वाला। तो इसका जो आंसर है वो रहेगा हमारा ब्लो हॉर्न का पे सी पे, तो ये रहेगा इसका आंसर सी। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और ये आखिरी क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला है विच कॉज नॉट डिफेक्ट, मतलब लकड़ी में गांठ दोष क्यों होता है। तो आपको पता है, इसके पहले भी बोल दिया कि ये गांठें क्यों आती है। तो जब भी आपके इसमें ब्रांचेस बढ़ती है, मतलब शाखाएं बढ़ती है, तब क्या होता है कि यहाँ पे गांठें गांठें आती है, तो इसका वैल्यू कम हो जाता है, इसका रेट भी कम मिलता है अगर मार्केट में आप बेचने गए तो। इसका ऑप्शन है सी। तो इस तरह से हमारा सेकंड मॉड्यूल था, बेसिक वर्कशॉप प्रैक्टिसेस, ये कंप्लीट हो चुका है। एक दो बार रिवाइज कर देंगे तो आपको याद ही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट मॉड्यूल देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो देखिए, जो मॉड्यूल नंबर 3 है। धन्यवाद।